गम ये नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम ये है कि जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने ही वक्त पे साथ छोड़ दिया। सब कुछ तोड़ देना लेकिन कभी किसी की उम्मीद और भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि इसमें इंसान की आवाज नहीं निकलती पर तकलीफ हद से ज्यादा होती है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। मेरे चेहरे से मेरा दर्द नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि मेरी आदत है हर बात पे मुस्कुरा देना। लोग अगर अच्छे हो फिर भी फासले रखना, क्योंकि आजकल जहर मीठे भी मिलने लगे हैं। ये दिल कभी खाली नहीं रहा, पहले तुम रहे अब इसमें तुम्हारा दर्द रहता है। पूरी उम्र लग जाती है एक होने में, और एक लम्हा ही काफी है किसी को खो देने में। जिंदगी को खुली किताब न बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है। काश तुम समझ सकते मोहब्बत के उसूलों को, किसी की सांसों में समाकर उन्हें तन्हा नहीं करते। आप जितना ही लोगों के बारे में जानोगे उतना ही आपको अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। रिश्तों को वक्त देना सीखो, प्यार भी रहेगा और साथ भी रहेगा। अब उतर गए हैं सब लोग मेरे दिल से, अब अकेले रहना ही अच्छा लगता है। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आप न छोड़ो और दुख में वो आपको ना छोड़े। हकीकत से बहुत अलग है ख्वाबों की दुनिया, दिखता बहुत कुछ है मगर हासिल नहीं होता। इतना भी खामोश मत रहो कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी बुजदिली बन जाए। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से कोई मतलब नहीं। बहुत कुछ बदल जाता है बढ़ती उम्र के साथ। पहले हम जिद किया करते थे, अब हम समझौते किया करते हैं। हौसला रखो, जितना दुख आप आज सह रहे हो आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। गम कहने में तो बहुत कम लगता है लेकिन सहने में बहुत दम लगता है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि आप खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से अलग हो जाओ। हमारे कड़वे अल्फाज लोगों को बहुत जल्दी चुभ जाते हैं, लेकिन हमारा साफ दिल किसी को दिखाई नहीं देता। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को तो आपको ही पहचानना होगा। जिंदगी में दुख सुख के उतार चढ़ाव के बावजूद भी जो आपका साथ न छोड़े, उस व्यक्ति की आप हमेशा कदर करना। आखिर उसने मुझे सिखा ही दिया कि किसी को हद से ज्यादा चाहना भी बुरी बात होती है। जब वक्त साथ देता है तो बंदा हर किसी को मात देता है। ये जो तुम्हारी याद है बस यही मेरी जायदाद है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। अब मुझे भी जरूरत पड़ने लगी है चश्मे की, क्योंकि लोगों के धोखे अब ठीक से नजर नहीं आते। एक साल में 50 दोस्त बनाना बहुत छोटी बात है, लेकिन 50 साल तक एक से ही दोस्ती निभाना बहुत बड़ी बात होती है। हमसे मोहब्बत का दिखावा ना किया कर, हमें सब मालूम है कि तेरी वफा की डिग्री ही फर्जी है। जो लोग जितनी ज्यादा उम्मीद दूसरों से लगाते हैं सबसे ज्यादा दिल उन्हीं लोगों का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो, धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। कमाल होते हैं वो लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने खूब सही कहा है, खुशियां आए तो जिंदगी में चख लेना मिठाई समझकर, जब गम आए तो वो भी कभी खा लेना दवाई समझकर। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए।
जब तक किसी अपने से धोखा न मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप हमेशा खुद को खुश रखिए। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिन्हें गलती समझना होता है वो आपके मौन का भी गलत ही अर्थ निकालते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए। हजारों में से बस मुझे वो एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया। कहां खर्च करूं अपने दिल की दौलत, यहां तो सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल न बदल सके। जिंदगी में कभी खुद को किसी इंसान का आदि मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वो कुछ नहीं बदल सकता। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। आज मैंने सच से पूछा, तू क्यों मौन है? वो उदास होकर बोला, अब मेरी सुनता कौन है? कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ही ऐसी खाइए कि अब बोलने का मन ही नहीं करता। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए तुम रोते हो, और जो कदर करता है उसको तुम रुलाते हो। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मुसीबतों से मैं अकेले ही निपट सकता हूं।